दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष केश चौहान ने दंतेवाड़ा जिले में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए 10 जवानों सहित चालक को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि नक्सलियों की कायराना हरकत है। आतंकवाद को कोई मतलब नहीं होता, वह किसी धर्म का नहीं होता, वह समाज का विरोधी रहता है। उन्होंने शासन प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर शासन प्रशासन चुस्त रहता तो आज हम अपने 10 जवानों को नहीं खोते। केश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी है। बस्तर में जो नक्सली हमले हुए जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हुए, हम उनका नमन करते हैं, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, वो किसी दल का नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ समाज का विरोधी रहता है, समाज का हितैषी नहीं रहता, समाज का बख्शी रहता है। लेकिन इसमें शासन और प्रशासन को दुरुस्त रहना चाहिए था, उनकी इंटेलिजेंसी का फेलवर इसे माना जाता है। और ये बढ़ावा जो पिछले दिनों से देखा गया है, वो बढ़ावे का अंजाम है। ये कोई भी घटना एक दिन की घटना नहीं होती, उसका जो प्रारूप होता है वो बहुत पहले से चालू हो जाता है। क्यों इतना नक्सलवादियों का जो हौसला क्यों बुलंद है, क्यों वो गतिविधियां करते हुए डरते नहीं है, जबकि ये मालूम है कि ये गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गतिविधियां बढ़ जाती हैं, उसके बाद भी शासन और प्रशासन नदारद था और उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये बहुत सेंसिटिव पीरियड रहता है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, ये टोटली शासन और प्रशासन का फेल हुआ था। और दूसरी बात कि इन नक्सली हमले के बाद वो ये बोलते हैं, नक्सली ये बोलते हैं कि जो मृत शरीर है उनका अंतिम संस्कार इस गांव में नहीं कराया जाएगा। तो क्या छत्तीसगढ़ शासन जो है, छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है, वो नक्सली चला रहे हैं, राज्य सरकार नहीं चला रही है? राज्य सरकार के पहले भी जो उन्होंने कड़ी कार्रवाई नहीं की, 1.5 किलोमीटर तक रैलियां निकाली जाती हैं नक्सलवादियों के द्वारा, और कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर नक्सलियों के इलाज के लिए दीगर राज्यों में पकड़ाए जाते हैं। अभी कांग्रेसी जनप्रतिनिधि ये बोल रहे थे कि नक्सली अच्छे होते हैं, तो ये सब चीजें बंद करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि इसका खामियाजा फिर से हमें भुगतना न पड़े, हमारे जवानों को भुगतना न पड़े। कठोर से कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, और यही हम शासन प्रशासन से आगे ये उम्मीद रखते हैं कि वो ऐसे कदम उठाएंगे।